वेलकम टू डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन। और दोस्तों आज हम बात करेंगे वेदर और नॉट इंडियन नेवी मरीन कमांडोज आर इन पार विद यूएस नेवी सील्स। जब हम एलीट स्पेशल फोर्सेस की बात करते हैं तब सबसे पहले हमारे दिमाग में पैरा स्पेशल फोर्सेस और मरीन कमांडोज आते हैं। इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस जिसे पैरा स्पेशल फोर्सेस कहा जाता है, जो 1965 में इंडो पाक वॉर के टाइम क्रिएट की गई थी, एनमी लाइन के पीछे से ऑपरेट करना और एनमी डिफेंस को ब्रेक करने के लिए मेजर मेक सिंह द्वारा लीथल सोल्जर्स का एक स्मॉल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इस फोर्स को पहले मेघदूत फोर्स कहा जाता था, जिसे बाद में डिसबैंड कर दिया गया था और बाद में पैराशूट रेजिमेंट के साथ मर्ज होकर फर्स्ट पैरा स्पेशल ऑपरेशन यूनिट बन गया। इसमें कोई शक नहीं है कि पैरा स्पेशल फोर्स आज रियल कॉम्बैट और काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म में प्रोफेशनल्स हैं। अगर आपको इंडिविजुअल बटालियंस ऑफ पैरा स्पेशल फोर्सेस के बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को चेक कर लो। बात करते हैं स्पेशल फोर्सेस की नेवी विंग के बारे में। मार्कोस ये मैराटाइम ऑपरेशन में स्पेशलाइज होते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, इस इंडियन मार्कोस पैरा स्पेशल फोर्सेस इज पार विद यूएस नेवी सील्स एंड यूएस आर्मी स्पेशल फोर्सेस। फिजिकल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के हिसाब से कोई शक नहीं है कि ये आसानी से बराबरी पर है, अगर उनसे बेटर नहीं है तो। इनकी ट्रेनिंग एक दूसरे के साथ काफी सिमिलर है, लेकिन अगर वो कम्पीट करना चाहते हैं तो यूएस काउंटर पार्ट्स वुड इजीली सेल अहेड। टेक्नोलॉजी वाइज इंडियन स्पेशल फोर्सेस लैक कर रही है इन टर्म्स ऑफ आर्म्स मॉडर्नाइजेशन एंड मिलिट्री स्पेंडिंग। इसके अलावा कमांड की सेंट्रलाइज चेन ना होने के कारण काफी फंड्स वेस्ट हो जाते हैं टेक्नोलॉजी में, जो इस टाइम की नीड नहीं है। हमारे स्पेशल फोर्सेस को लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल्स की काफी जरूरत है। मार्कोस V-22 ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर्स मांग रहे हैं ताकि कमांडोज की स्मॉल टीम्स को चुपके से इन एंड आउट लेके जा सके। इन स्पेशल फोर्सेस के पास काफी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी नहीं है जो सिर्फ उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग बनाई गई हो। ये इसलिए क्योंकि कोई भी कॉमन सेंट्रल अथॉरिटी नहीं था जो तीनों सर्विसेज मार्कोस, पैरा स्पेशल फोर्सेस और गरुड़ को मैनेज करे। इसके अलावा यूएस को ये फायदा है दैट देयर इंटेलिजेंस वर्क्स इन हेल्दी रिलेशन एंड हैंड इन हैंड विद देयर सेंट्रलाइज्ड स्पेशल फोर्सेस कमांड। इंडियन इंटेलिजेंस एक डिपार्टमेंट से दूसरे के बीच कम्युनिकेशन और हेल्दी कोऑर्डिनेशन बनाने में लैग करती है। दूसरी तरफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक DRDO जो बहुत इनइफेक्टिव रही है। इंटेलिजेंस एजेंसीज और इनोवेशन इंडस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स मिशन को सक्सेसफुल बनाने में स्पेशल फोर्सेस की मदद कर सकते हैं। तो क्या हमारी स्पेशल फोर्सेस में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ? इन कुछ सालों में इनमें काफी इंप्रूवमेंट्स हुई है। आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन सेटअप किया गया जस्ट लाइक JSOC इन USA। AFSOD तीनों सर्विसेज के लिए सेंट्रलाइज्ड कमांड होगा और इफेक्टिवली उनकी नीड्स पूरी करेगा। इनका खुद का साइबर और इंटेलिजेंस होगा। लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल्स, पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम्स, रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर UAV, कम्बैट फ्री फॉल पैराशूट्स, रबराइज्ड इन्फ्लेटेबल बोट्स एंड अदर मॉडर्न स्पेशलाइज्ड मशीनरी जैसे स्पेशल वेपनरी डेवलप कंट्रीज के साथ ट्रेड किए जा रहे हैं। अगर ये एक डिकेड पहले किया जाता तो आज हमारी स्पेशल फोर्सेस बहुत अलग होती। एटलीस्ट अब हमारी फोर्सेस डेवलप हो रही है विद परचेज ऑफ मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स एंड मशीनरी। राजनीति से अलग रख के इनकी डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है। अगर हमारे स्पेशल फोर्सेस को कॉन्स्टेंट पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता रहेगा देन वी विल वेरी सून रीच दी स्टैंडर्ड्स ऑफ नेवी सील, ब्रिटिश सैस और रशियन अल्फा ग्रुप। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों आपके पास अगर कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको क्लियर करने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक पे क्लिक करिए और आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि नॉलेज को जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगी। आप सबको बेस्ट ऑफ लक।